क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसे ब्लैक होल को डिस्कवर किया है जो हर सेकंड में धरती जितने प्लैनेट्स को अपने अंदर समा लेता है। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे अलार्म क्लॉक का इन्वेंशन किया गया था जिसे अगर बंद नहीं किया गया तो उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते थे। और आइसक्रीम टेस्टर्स आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए सोने के चम्मच का ही क्यों यूज करते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। नंबर 10, पुराने समय में बहुत से ऐसे इन्वेंशन हुए हैं जो कि आज शायद आपको देखने ना मिले, पर वो आविष्कार उस समय के काफी ज्यादा एडवांस थे। लेकिन उन आविष्कारों को सिर्फ इसीलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि आगे चलकर बहुत से लोग इनका गलत इस्तेमाल कर सकते थे। और ऐसा ही एक आविष्कार था निकोला टेस्ला की भूकंप मशीन, जिसे टेस्ला ऑसिलेटर कहा जाता है। ईयर 1898 में निकोला टेस्ला ने इस मशीन का आविष्कार किया था। और ये मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये मशीन इतना बड़ा भूकंप ला सकती थी जो कि पूरे न्यूयॉर्क शहर को 10 मिनट के अंदर तबाह कर दे। और फ्यूचर में इसका गलत इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता था, जिसकी वजह से निकोला टेस्ला ने इस मशीन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 9, पुराने समय में लोग रियल लाइफ चेस खेला करते थे। साल 1924 से पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग इस चेस को खेला करते थे। और इस चेस को ह्यूमन चेस कहा जाता था। और कई बार ये गेम काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज में आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए बहुत से लोग होते हैं और इन लोगों को आइसक्रीम टेस्टर कहा जाता है। और वही लोग आइसक्रीम को ऑडिट करते हैं कि वो आइसक्रीम एकदम टेस्टी बनी है या नहीं, उनके टेस्ट के मुताबिक उस पर खरी उतरी है या नहीं, और उन लोगों को आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए सैलरी भी दी जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो लोग आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए गोल्ड स्पून सोने के चम्मच का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी खाने का प्योर टेस्ट गोल्ड स्पून में ही आता है, क्योंकि हर कोई नॉर्मल स्पून से ही खाता है और नॉर्मल इंसान को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब नॉर्मल स्पून में थोड़ा बहुत खाने का टेस्ट बदल सकता है, लेकिन प्योर गोल्ड के स्पून में हल्का सा भी खाने का टेस्ट नहीं बदलता है। और इसीलिए एक एक्सपर्ट को एकदम एक्यूरेट टेस्ट का पता करने के लिए गोल्ड स्पून ही चाहिए होता है, तभी वो लोग एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट लेवल पर आइसक्रीम के टेस्ट का पता लगा सकते हैं। और इसीलिए फैक्ट्रीज में जो आइसक्रीम टेस्टर्स होते हैं वो लोग गोल्ड स्पून यूज करते हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक ऐसा चाकू है जो कि स्पेस के चीजों को मिलाकर बनाया गया है, और ये चाकू इजिप्ट के राजा तूतनखामन का था। तूतनखामन एक बहुत ही फेमस राजा थे और इनका चाकू कोई सादे लोहे से नहीं बनाया गया था, बल्कि वो एक ऐसे मेटल से बनाया गया था जो कि एस्ट्रॉइड में मिलता है। मतलब कि ये चाकू अर्थ के बाहर मिलने वाले मेटल से बनाया गया था। नंबर 6, सुबह जल्दी उठने के लिए हम सभी अलार्म तो लगाते हैं, लेकिन अलार्म बजने के साथ ही हम उसे अक्सर बंद करके सो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ना उठने पर आपकी अलार्म आपके बैंक अकाउंट से पैसे ही काट ले, असल में यूरोप में एक ऐसी भी घड़ी का इन्वेंशन किया गया था जिसमें अगर अलार्म बजता रहा और कोई नहीं उठा तो उसके अकाउंट से पैसे को ही कट कर दिया जाता था। लेकिन आगे चलकर यह आविष्कार पूरी तरह फ्लॉप हो गया, और अगर यह आविष्कार फ्लॉप नहीं होता तो शायद आज हम सब टाइम से उठते। नंबर 5, आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखा है, स्पाइडरमैन वाला ये वाला मूवी जिसमें टोबी एक्टर थे, तो इस मूवी में एक ट्रे वाला सीन आता है जो कि फुल मैजिकल होता है। तो इस क्लिप में जो आप सीन देख रहे हो, दरअसल ये सीन कोई सीजीआई नहीं है बल्कि एक रियल सीन है, और इस सीन को एक्चुअल में किया गया था। ये अमेजिंग बात है कि इस सीन को प्रैक्टिस के जरिए और हजारों रिटेक्स के जरिए कैप्चर किया गया था। और ये बात अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग है कि बिना सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी वीएफएक्स के इस सीन को शूट किया गया था। नंबर 4, क्या आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब यूएसए से लॉन्च होने वाले मिसाइल और रॉकेट्स को इंसानों के जरिए नहीं बल्कि कबूतरों के जरिए लॉन्च किया गया था। असल में ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को जंग में उतारने के लिए यूएसए की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर कबूतरों को अपनी चोंच से मिसाइल लॉन्च करने की ट्रेनिंग दी थी, जिसके चलते इंसानों की जगह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कबूतरों को ही कंट्रोल रूम में बिठा कर उनसे कुछ इस तरह से बटन प्रेस करते हुए मिसाइल और रॉकेट्स को लॉन्च किया गया था। और अमेजिंग बात यह है कि ये ट्रिक इतनी ज्यादा फेमस हुई कि देखते ही देखते कुछ ही समय में रशिया ने भी इस ट्रिक को एडॉप्ट कर लिया था। नंबर 3, आप लोगों को टर्मिनेटर मूवी पता है, तो इस मूवी के जो एक्टर है आर्नोल्ड, उन्होंने इस मूवी में सिर्फ 700 वर्ड बोले थे पूरी फुल मूवी में, और इसके लिए उन्हें पूरे $15 मिलियन मिले थे सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलने के लिए, सिर्फ इतनी सी एक्टिंग के लिए। और इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर वर्ड को पैसों से कैलकुलेट करें तो ये करीब $21,429 मतलब 1,500,000 रुपए होता है। मतलब 1,500,000 रुपए हर वर्ड के लिए उन्हें मिले है, तो सोचो उनकी इस मूवी में वैल्यू कितनी है। सिर्फ एक वर्ड बोलने के 1,500,000 रुपए और सिर्फ 700 वर्ड बोलने के 100 करोड़ रुपए मिले थे। नंबर 2, साइंटिस्ट को एक ऐसा ब्लैक होल मिला है जो कि हर सेकंड में धरती जितने प्लैनेट्स को खा रहा है, मतलब एक ना एक धरती के बराबर प्लैनेट्स को निगल रहा है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे फाइंड किया है, और एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ऐसे ही ऑब्जेक्ट को 50 सालों से भी ज्यादा के समय से खोज कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मिला जो कि हर एक सेकंड में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर समा लेता है।
सोचो इस पूरी धरती के बराबर प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स को ये ब्लैक होल हर एक सेकंड निगल रहा है। हमारी गैलेक्सी के बीच एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है और उस सुपर ब्लैक होल से भी 500 गुना ज्यादा बड़ा ये ब्लैक होल है, जिसे रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। और इससे हमें किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैक होल हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है। नंबर 1, क्या आप लोगों ने कभी अपने मोबाइल फोन में लो पावर मोड देखा है? जब आपकी फोन की बैटरी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, तब आपका फोन लो पावर मोड पर चला जाता है। लो पावर मोड में आपके फोन का प्रोसेसर बहुत ज्यादा कम यूज होता है और आपकी बैटरी का भी कम यूज होता है, और जितने एप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उन एप्स को बंद कर दिया जाता है, और आप जो ऐप यूज कर रहे होते हो बस वही खुला होता है। और नॉर्मली जब फोन फुल चार्ज पर होता है तब बैकग्राउंड में बहुत से ऐप रन होते हैं और फोन के अपडेट्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन लो पावर मोड में ये सभी एप्स बंद कर दिए जाते हैं और आप जो ऐप यूज करते हो बस वही खुला होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे फोन की तरह हमारे ब्रेन का भी लो पावर मोड होता है, जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। जो हमारा ब्रेन है वो भी लो पावर मोड पर जाता है। मान लो कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है पर आप सो नहीं पा रहे हो, तब आपका ब्रेन लो पावर मोड पर चला जाता है। इसीलिए देखना, जब आप बहुत ज्यादा सोना चाहते हो लेकिन आप सो नहीं पा रहे हो, ऐसी कभी सिचुएशन आती होगी तब ये जरूर नोटिस करना कि आपकी थिंकिंग की एबिलिटी जा चुकी होगी और आप उतना याद नहीं रख पा रहे होगे और आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ब्रेन के पास सभी फंक्शंस होते हैं बट लो पावर मोड में सब कुछ नहीं होता है। इसलिए आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, आपकी समझने की क्षमता कम हो जाती है, और लो पावर मोड में ऐसा सब कुछ होता है। तो मतलब सोचो कि कितनी अमेजिंग बात है कि हमारे नेचर में भी लो पावर मोड होता है और वो भी हमारे ब्रेन में। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आगे भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।